हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा छः की कार्यपुस्तिका उसका पार्ट तीन आप भले तो जग भला फ्रेंड्स इसके छः कार्यपत्रक हैं तो शुरू करते हैं आज की वीडियो इसका पहला कार्यपत्रक में सबसे पहले हमें एक अनुच्छेद दिया गया है तो चलिए पहले पढ़ते हैं इस अनुच्छेद को दुनिया कांच के महल जैसी है अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है आप भले तो जग भला आप बुरे तो जग बुरा अगर आप प्रसन्न चित्त रहते हैं दूसरे के दोषों को देख ना देखकर उनके गुणों को ही ध्यान देते हैं तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं तो फिर वे क्यों ना आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है उन्होंने जरा देर सोचकर उत्तर दिया मैं दूसरों की अनावश्यक चीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता इसके बाद है उपयुक्त अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहला प्रश्न है इसमें लेखक ने दुनिया की तुलना किससे की है तो इसका उत्तर है लेखक ने दुनिया की तुलना कांच के महल से की है अब इसमें दूसरा प्रश्न है पूरा करें आप भले तो जग भला आप बुरे तो जग बुरा दुनिया कब आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी तो इसका उत्तर है जब हम दूसरे के दोषों को ना देखकर उनके गुणों को ही ध्यान देते हैं मैं दूसरों की अनावश्यक नुकताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता यह कथन किसका है अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन का अब्राहम लिंकन किस देश के मशहूर नेता थे अमेरिका ये तो हो गया इसका पहला कार्यपत्रक अब हम इसका देखते हैं कार्यपत्रक दो शिक्षक की सहायता से दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए तो इसमें हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं हमें उनके अर्थ लिखने हैं जैसे पहला है आँख का तारा होना इसका अर्थ है बहुत प्यारा होना कमर कसना तैयार होना ईट का जवाब पत्थर से देना करारा जवाब देना अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना अपनी प्रशंसा स्वयं करना कान भरना चुगली करना पीठ दिखाना हार मान का भाग जाना बाल बाल बचना हानि होने में तनिक ही कमी रह जाना घी के दिए जलाना खुशियाँ मनाना इसके बाद है इसका इसी पाठ का तीसरा कार्यपत्रक पाठ में आए अनुनासिक शब्दों को छाटकर लिखिए जैसे इसमें हमें दिया है कांच इसी तरह पाठ में से ये छाट कर लिखे गए हैं आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको पाठ में अच्छे लगे मैंने जो लिखे हैं वो मैं बता देती हूँ पूछ हूँ हसेंगे बूंद आँखों पंक्तियाँ त्रुटियाँ गलतियाँ आंसू हाँ जहाँ आप इसमें और भी शब्द जो पाठ के अंदर हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं इसके बाद है इसका चौथा कार्यपत्रक पाठ्यपुस्तक की सहायता से रिक्त स्थान भरिए श्रीमन नारायण का जन्म सन डैश को डैश में हुआ था श्रीमन नारायण बच्चों इनके इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है तो उनका जन्म बताना है तो उनका जन्म सन उन्नीस ईस्वी में इटावा में हुआ था दुनिया कांच के डैश जैसी है इसमें आएगा महल भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है निंदक बाबा वीर हमारा बिन्ही डैश बहे बिचारा। तो इसमें आएगा कौड़ी इसके बाद है पाठ का शीर्षक आप भला आप भले तो जग भला किस कितना प्रासंगिक है इस पर शिक्षक की सहायता से अपने विचार लिखिए। इसमें जो मुझे ठीक लगा मैंने वो लिखा है अगर आपको कुछ और सही लगता है तो आप इसमें लिख सकते हैं पाठ का शीर्षक आप भले तो जग भला पाठ के अनुसार उपयुक्त है क्योंकि मनुष्य जैसा व्यवहार करता है दुनिया भी उससे वैसा ही व्यवहार करती है अर्थात यदि आप स्वयं अच्छे हैं तो संसार भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा हमें केवल अपने से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए हमें दूसरों के दोष ढूंढने के बजाय अपने दोषों पर भी ध्यान देना चाहिए इसके बाद है इसका कार्यपत्रक नंबर पाँच नीचे दिए गए महापुरुषों के चित्र पहचानिए और पाठ में उनके विचारों को लिखिए। इसमें हमें चार महापुरुषों के चित्र दिए हैं सबसे पहला है महात्मा गांधी तो इन इसमें लिख देंगे महात्मा गांधी बापू प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे फिर है ईसा मसीह ईसा मसीह शत्रुओं से भी प्रेम करो ये इनके विचार थे फिर है ग्रीस के संत सुकरात इनका विचार था इन्होंने पाठ में दिया है ये कि जो मनुष्य मूर्ख है और वह जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है वह सबसे बड़ा मूर्ख है इसके बाद है ये है अब्राहम लिंकन वे दूसरों की अनावश्यक चीनी नहीं करते हैं इसके बाद दोस्तों इसमें है इसी पाठ का अंतिम कार्यपत्रक कि मुहावरों को अर्थ से मिलाते हुए नीचे वाक्यों में प्रयोग करके लिखिए। तो इसमें पहला हमें दिया है हाथ बटाना हाथ बटाने का क्या होगा सहायता करना फिर है नाक में दम करना नाक में दम करना का होगा बहुत परेशान करना अगला है कान भरना शिकायत करना चेहरा खिल उठना प्रसन्न होना दांत निकालना हंसना। तो ये इसमें हमें इनके दे रखे हैं उत्तर हमें इनसे इनको मैच करना है तो साथियों आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पाठ के नए कार्यपत्रक के साथ और नई शिक्षण योजना के साथ तब तक के लिए सभी को नमस्कार